फ्री में नहीं मिलेगा राशन, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो की दर से मिलेगा चावल। प्रदेश में महा में 2 बार मुफ्त राशन बांट रहा था। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा नियमित राशन वितरण तो दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, अब एक योजना में कार्ड धारकों को राशन का पैसा देना होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित राशन का कार्ड धारकों को अब भुगतान करना होगा। जुलाई माह का राशन वितरण 25 से 31 अगस्त के बीच बांटा जाएगा, जिसके तहत लाभार्थियों को गेहूं 2 रुपए तथा चावल 3 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अभी मुफ्त में ही राशन बांटा जाएगा। प्रदेश में माह में 2 बार मुफ्त राशन बांट रहा था। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा नियमित राशन वितरण तो दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, अब एक योजना में कार्ड धारकों को राशन का पैसा देना होगा। इस योजना में प्रदेश सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। जुलाई माह का राशन 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच बांटा जाएगा। इसके लिए कार्ड धारकों को गेहूं 2 रुपए प्रति किलो व चावल 3 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को भी इस संबंध में प्रस्तुत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खाद एवं रसद विभाग के ऊपर आयुक्त अनिल दुबे ने बताया कि इस योजना में निफेड के तहत मिल रहा 1 किलो नमक, 1 किलो चना, रिफाइंड आदि मुफ्त में ही दिया जाएगा, लेकिन राशन का पैसा देना होगा। इस योजना में पात्र गृहस्थी लाभार्थी कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किलो, 2 किलो गेहूं व 3 किलो चावल, जबकि अंत्योदय कार्ड पर प्रति कार्ड 35 किलो, 14 किलो गेहूं व 31 किलो चावल राशन दिया जाता है। प्रदेश में पात्र गृहस्थी लाभार्थी यूनिट संख्या लगभग 14.97 करोड़ तथा अंत्योदय कार्ड धारक यूनिट संख्या लगभग 1.31 करोड़ है। लखनऊ से अपडेट मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।